गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मामा की। सो गाइस अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. So right now, अभी हम लोग हैं ऐरोली। और आप पुराने व्यूअर्स रहेंगे तो आपको ये जगह के बारे में आपको पता रहेगा। इस जगह का मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया है, होप आपको थोड़ा थोड़ा हिंट आया रहेगा, मैं ही बता देता हूँ। सो राइट ना अभी हम लोग आए ऐरोली फ्लेमिंगो गार्डन ठाणे क्रिक के यहाँ पे। लास्ट टाइम हम लोग आए थे 3-4 months के पहले, 5-6 months बारिश के पहले आए थे आई थिंक। सो मई महीने में आए थे तो तभी फ्लेमिंगो हम लोग को दिखे ही नहीं। यहाँ पे लोग ने बोला था कि दिसंबर के आसपास आओ, ठंडी के सीजन में आपको फ्लेमिंगोस दिखेंगे। सो राइट ना अभी हम लोग आए फ्लेमिंगोस देखने के लिए। यहाँ पे एंट्री टिकट है 50 rupees पर हेड। हम लोग की फैमिली और ये है हम लोग की 2 दिन की सवारी। एक्चुअली हम लोग जाने वाले हैं जेजुरी। आज का आइटिनरी थोड़ा ऊपर नीचे। अभी हम लोग आए पहले स्पॉट में ऐरोली, यहाँ पे थोड़ा बैठ के डिसाइड करेंगे हम लोग को एग्जैक्ट कहाँ पे जाने का। अकेले अकेले व्लॉग निकल रहे वंश के ऐसे ही। वाह, अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था इसलिए थोड़ा बड़बड़ की है लोग के साथ। मेरे को भी बुला देगा था ना, मैं भी व्लॉग में बोलेगा। ओ व्लॉगर, आज दो व्लॉगर है, आज नहीं आज और कल। मजा ही मजा, डबल धमाका। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टॉर्टोइस और फ्लेमिंगोस के स्केलेटन्स। सो लेट्स गो, आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये है टॉर्टोइस के बड़े बड़े वाले स्केलेटन्स और आगे है फ्लेमिंगोस के। ओ भाई साहब, अबे तो पानी ही नहीं है। हम लोग ने सोचा कि बोटिंग करेंगे, सामने है बोट्स, पर यहाँ पे पानी नहीं है, बोट कैसे जाएगा आगे। और यहाँ का एक बेस्ट पार्ट है जो कि यहाँ पे वुडन ब्रिज है, जो कि हम लोग के पीछे इस साइड में यहाँ पे वुडन ब्रिज, वहाँ पे भी हम लोग जाने वाले हैं। वहाँ का एंट्री टिकट है 50 rupees पर हेड। आपको बोटिंग करना रहे यहाँ पे कर सकते हैं, पर अभी हम लोग नहीं कर सकते फिलहाल, बिकॉज बोट आके जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे हम लोग को सामने फ्लेमिंगोस दिख गए एज यू कैन सी वहाँ पे। और यहाँ पे है, ये तो व्यू कुछ नहीं, यहाँ का व्यू थोड़ा ओके ओके। हम लोग जिस जगह जाने वाले अभी थोड़ी ही देर में इस साइड है, वो जगह का व्यू एक नंबर ऑसम व्यू आने वाला है। आप पुराने व्यूअर्स रहेंगे तो आपको पता ही रहेगा, पहले के ब्लॉग में भी मैंने ये प्लेस के बारे में कैप्चर किया था। आपको वो ब्लॉग पुराना देखना रहेगा, पर्टिकुलर ब्लॉग इस एरिया के बारे में ही है, वो आप जाके देख सकते हैं वो ब्लॉग। आप जैसे ही यहाँ से आओगे सामने आपको बोटिंग का एरिया मिलेगा और इसके लेफ्ट साइड में एक गेट है, गेट के अंदर से गए और आगे जाके एक वुडन ब्रिज आएगा। वो वुडन ब्रिज का ही पैसा फुल वसूल होने वाला है, बिकॉज वो ब्रिज बहुत ही मस्त बना है। पर अभी एक माइनस पॉइंट है कि अभी ओटी चालू है, मतलब पानी बहुत कम है। आई थिंक यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चालू है, पर ब्रिज तो ओपन दिख रहा है मेरे को। लेट्स गो, देखते आगे बंद रहेगा तो वापस रिटर्न आना पड़ेगा। आई थिंक ये लोग हर साल चेंज करते हैं, नए बोर्ड्स दिख रहे हैं। ये व्यू का पैसा वसूल होने वाला है, बिकॉज यही मेन अट्रैक्शन है ये स्पॉट का। और बीच में ऐसे पेड़ आते रहेंगे, आपको ऐसा नीचे झुक के जाना पड़ेगा। और लिटरली आप यहाँ पे नहीं आए रहेंगे ना, एक बार ज़रूर आना। मुंबई के अंदर ही है ये स्पॉट, जो कि ऐरोली मुंबई वालों को भी नज़दीक गिरेगा और हम लोग को डोंबिवली कल्याण वालों को भी बहुत ही नज़दीक है। और ठाणे वालों को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग के बाजू में ही है ये। आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू है यहाँ का। यहाँ पे बहुत ही शांति मिलेगी आपको। आपको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं तो जॉगिंग करने आना रहेगा, नहीं ये बेस्ट स्पॉट है। यहाँ पे आप जॉग कर सकते हो, थोड़ा यहाँ पे चल के आगे जाके नेचर एंजॉय कर सकते हो। और बाय चांस यहाँ पे मेरा मोबाइल नीचे गिरा ना, नहीं मिलेगा, चिकल चिकल है ये पूरा। सो आप मोबाइल कैरी कर रहेगा और फोटो वीडियो निकालोगे तो संभाल के मोबाइल, बिकॉज एक बार गिर गया वाट लग। सो गाइस, मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये ब्रिज का मेंटेनेंस चालू रहेगा, आई एम राइट। ये देखो बीच बीच में, और यहाँ पे बांधा हुआ नहीं है, ऐसा बांधा हुआ नहीं है वहाँ पे, और पूरा आगे खुला खुला है। सो हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा तो भी सटका डायरेक्ट पैर नीचे। ओ भाई, मोबाइल और ये कैरी करना मतलब डर लग रहा है। भाई मोबाइल में रखता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। यहाँ पे थोड़ा सा पैच खराब था, आगे जाके वापस पुराना है, पर अच्छा है। गाइस फाइनली हम लोग अभी एंड पॉइंट में आ चुके हैं। ये है एंड पॉइंट और सामने हम लोग को दिख गए फ्लेमिंगोस।
यहाँ पे भी है, सामने भी है और वहाँ पे भी है और उस साइड भी है। सो ब्रो कैसा लगा फ्लेमिंगोस देख के? बहुत बढ़िया लगा। पहले देखा था फ्लेमिंगोस को? फोटोज में देखा था। फर्स्ट टाइम रियल लाइफ में। पहले के टाइम पे फ्लेमिंगोस ज्यादा आते थे, अभी पॉल्यूशन इसके वजह से फ्लेमिंगोस का भी पॉपुलेशन कम हो रहा है। और ये सब आप देख रहे हो ये सब मैंग्रोव्स है, बारिश से मुंबई को बचा के रखे मैंग्रोव्स। यहाँ पे अभी हम लोग का स्पॉट कवर करके हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे टुवर्ड्स प्रतिभालाजी। अभी भी प्लान कच्चा पक्का है, आप ब्लॉग कंटिन्यू देखते जाओ। कहाँ कहाँ पे हम लोग घूमने जाने वाले आपको सब ब्लॉग में डिटेल्स सब मिल जाएगा। और आपको ये प्लेस में आना रहेगा सुबह अराउंड 8 o'clock के आसपास आ जाओ। यहाँ पे बाइक, कार और स्कूटी और बाइक आपके हिसाब से आ सकते हो। और अगर आपके पास नहीं रहेगा ट्रैवलिंग करने के लिए बाइक और स्कूटी और कार, आप ट्रेन से आ सकते हैं, लोकल ट्रेन से आ सकते हैं जो कि ऐरोली रेलवे स्टेशन एग्जैक्ट सामने ही है, नज़दीक है बहुत। सो गाइस रायका अभी हम लोग आए महड़ और यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे लिए हम लोग ने कांदा भजी और मिसल पाव जो कि वहाँ पे बन रहे हैं। पेट पूजा करके हो गया हम लोग का और राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए महड़ गणपति। लास्ट टाइम भी हम लोग का प्लान नहीं था, ऑन द स्पॉट प्लान बना और यहाँ पे हम लोग आए। और इस बार भी प्लान कुछ नहीं था महड़ आने का, पर इस बार भी गणपति बप्पा ने बुलाया हम लोग को। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना, हर बार गणपति बप्पा बुलाते। 2-3 months पहले ना कभी गए थे अपन, 10 तारीख के टाइम अक्टूबर 2 months पहले। जब भी हम लोग ये रास्ते से जा रहे हैं खोपोली के रास्ते से, गणपति बप्पा हम लोग को दर्शन के लिए बुला रहे हैं। As you can see सामने है टेंपल और लास्ट टाइम हम लोग आए थे कोई भी नहीं था और अभी देखो लाइन कितना है। अभी क्रिसमस के वेकेशन चालू है इसलिए इतने पब्लिक घूमने को निकली है बाहर। यहाँ पे इतने सारे चप्पल है सो मैंने एक ट्रिक किया, एक चप्पल मैंने यहाँ पे रखा और एक चप्पल उस साइड ये कॉर्नर के। यहाँ पे चोर को समझेगा ही नहीं कि एक ही चप्पल दूसरा चप्पल कहाँ पे ढूंढते बैठेगा, उसको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे अभी सब लोग पापड़ खरीदी कर रहे हैं और ये दुकान एग्जैक्ट मंदिर के सामने। यहाँ पे हम लोग का 1.5 hour कैसे चला गया हम लोग को ही नहीं समझा और अभी भी भीड़ बहुत है यहाँ पे। और अभी आगे जाके अभी 2 spots करने का है, थेऊर और मोरगांव। और ये लोग इधर पापड़ खरीद रहे, कितना टाइम लगेंगे पता नहीं। यहाँ से अभी हम लोग का नेक्स्ट स्पॉट है थेऊर का गणपति, गणपति बप्पा का दर्शन करेंगे वहाँ पे भी। मोस्टली हम लोग का ये ट्रिप अष्टविनायक की ट्रिप होने वाला है आई थिंक सो। सब अष्टविनायक के गणपति कवर नहीं करने वाले, सिर्फ 3 कवर करने वाले। एक महड़ तो हो गया हम लोग का, बाद में है थेऊर और इसके बाद है मोरगांव का गणपति बप्पा का दर्शन करेंगे हम लोग। तो अभी हो रहा है 2:15, तो देखते हैं अगर हम 5 o'clock तक थेऊर पहुँचे तो थेऊर मोरगांव बहुत पास है तो वो हमको इजी होगा ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ये लोग अभी तक आए नहीं है। तो गाइस मर्ड से 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग आए शिरगांव जो कि यहाँ पे है प्रति शिरडी जो कि सामने आप देख सकते हो। हम अभी शिरगांव के प्रति शिरडी को आए दर्शन देने।